अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं जिशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, किया पाकिस्तान अपने एक स्लोगन के साथ They have the power to surprise and the power to be unstoppable। किया पाकिस्तान अपने इस स्लोगन के साथ पाकिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर अपने गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी इन गाड़ियों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर टेस्ट कर रहे हैं, जिन गाड़ियों को मुस्तकबिल में पाकिस्तान में पेश किया जाएगा। इन गाड़ियों में किया सेरेटो, किया स्टिंगर, किया सोरेंटो और किया नायरो गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन किया ने अपने इस कॉन्वॉय के साथ एक सबसे जो उनकी अहम गाड़ी है उसको शामिल नहीं किया है, तो हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। प्यार दोस्तों, किया कार्निवल एक मल्टीपर्पज फैमिली वैन है जिसको के किया ने तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था। किया कार्निवल की ये 3rd जनरेशन थी और पाकिस्तान के अंदर किया की तरफ से पेश की जाने वाली सबसे जो पहली गाड़ियां थी उनमें इस गाड़ी का शुमार होता था। अपनी वसत और कसीर मकसदी गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर खासी पजीराई मिली और एक मुनफरद सेगमेंट जो कि किसी भी दूसरे ऑटोमेकर की तरफ से हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता रहा, किया ने उस सेगमेंट की तरफ अपनी तवज्जो दी, जिसके तहत किया पाकिस्तान ने ग्रैंड कार्निवल को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पेश किया। ये गाड़ी अपने अंदर बेहतरीन फीचर्स समेटे हुए थी, जिनमें से बहुत सारे फीचर्स मुनफरद फीचर्स थे जो कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर पेश की जाने वाले गाड़ियों में नहीं पाए जाते थे। बहरहाल, नपे तुले रुझान के साथ ये गाड़ी मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। वहीं पर रमाबर्स आलमी मार्केट के अंदर किया कार्निवल की 4th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जो कि अगेन अपने खूबसूरत डिजाइन के साथ और बेहतरीन फीचर्स से लेस है। अब अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो किया पाकिस्तान ने इस गाड़ी को कहीं पर भी टीज नहीं किया, इस गाड़ी का कोई ट्रेलर जारी नहीं किया गया। बहरहाल, ना ही इस गाड़ी को किया ने अपनी आने वाली गाड़ियों के कॉन्वॉय में शामिल किया। अलबत्ता किया पाकिस्तान ने चुपके से इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया है और किया ग्रैंड कार्निवल की 4th जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान में बुकिंग के लिए मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको यहां पर बताता चलूं कि किया ग्रैंड कार्निवल गाड़ी के पाकिस्तान में 2 वेरिएंट पेश किए जाते हैं, जिनमें एक GLS वेरिएंट है जो कि बेस वेरिएंट है, जबकि दूसरा वेरिएंट GLS प्लस है। गाड़ी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रैंड कार्निवल के अंदर 3.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नस्ब किया जाता है, जो कि 200 किलोवाट की पावर और 331 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। वहीं पर यह गाड़ी 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश की जाती है। गाड़ी की अगर हम एक्सटीरियर लुक की बात करें तो किया की रवायती जो एक सिग्नेचर आइडेंटिटी है कि इस गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आपको टाइगर नोज ग्रिल दिखाई देती है। वहीं पर गाड़ी के अंदर स्लीक प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और LED DRLs दिए गए हैं। वहीं पर किया ग्रैंड कार्निवल के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के मजीद एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें पावर स्लाइडिंग डोर्स हैं, इसी तरह से ड्यूल सनरूफ, स्मार्ट ऑटोमेटिक टेलगेट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल हीटेड साइड व्यू मिरर्स और ऑटोमेटिक विंडो डिफॉगर के फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी के मेन फीचर्स हैं, जो कि गाड़ी के दोनों मॉडल्स के अंदर आपको दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लें तो अगेन जो दोनों वेरिएंट्स हैं उनमें गाड़ी के जितने भी जो अहम और जरूरी फीचर्स हैं वो दिए गए हैं कि जो GLS वेरिएंट है उसके अंदर आपको सैडल ब्राउन कलर का इंटीरियर जो है वो देखने को मिलता है। वहीं पर मेमोरी सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो आपको बेस वेरिएंट के अंदर नहीं दी जाती। इसके अलावा पुश इंजन स्टार्ट, इमोबिलाइजर, सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, 8 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन, पावर विंडोज, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टमेंट सीट्स, हीटेड सीट्स जैसे फीचर्स इन दोनों गाड़ियों के अंदर दिए गए हैं। वहीं पर अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में तकरीबन 4 किस्म के एयरबैग दिए जाते हैं, जिनमें ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स और नी एयरबैग। अलबत्ता अगर आप इनको अपग्रेड करना चाहें तो इनको 7 जो एयरबैग्स हैं वहां पर अपग्रेड करने की सहूलत भी मुयसर है। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी, आइसोफिक्स सीट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग सेंसर्स, रियरव्यू कैमरा, 11 सीट बेल्ट्स और वायरलेस चार्जर की सहूलत इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की सूरत में आपके पास मौजूद है। कीमत की बात करूं तो गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है जिसको हम GLS वेरिएंट कहते हैं वो 86,99,000 रुपए में दस्तियाब है, जबकि जो GLS प्लस वेरिएंट है वो 94,99,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। इन गाड़ियों की बुकिंग के लिए आपको बेस वेरिएंट के लिए
25 लाख रुपए अदा करने होंगे, जबकि अगर आप GLS प्लस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 30 लाख रुपए की रकम अदा करना होगी। तो प्यारे दोस्तों, किया पाकिस्तान ने ग्रैंड कार्निवल को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पेश किया है। अलबत्ता इस गाड़ी की प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम मार्केट की दूसरी गाड़ियों के हवाले से देखें, टोयोटा की क्रॉसओवर SUV जो कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, वो गाड़ी तकरीबन 7 मिलियन से 8.5 मिलियन तक लॉन्च की जाएगी। तो ऐसे लोग जो उस गाड़ी की तरफ जाएंगे, उनको मेरा ख्याल है कि किया ग्रैंड कार्निवल को ऑप्ट करना चाहिए और ये एक बेहतर गाड़ी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।